अभी पोलिंग का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ताला साल भी तक पोलिंग के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए। और इस्लामाबाद का सिस्टम मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे देखें कितनी पहल हो रही है, लोग जोर जोर आ रही हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पर इंतजामिया के भी पुलिस अफसरान वगैरह भी मौजूद है जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मामूल किए गए हैं। खाने पीने का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, लेकिन कुछ शिकायत है इंशाल्लाह ताला उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तस्करा ताले भी और यहाँ से इंतजामिया ने यहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया जाता है और इंशाल्लाह ताला 7 बजे के बाद हम हाजिर होंगे और फिर आपको बताएंगे कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान से। आप वोट करने अपने साथी के साथ आए, अपने क्या 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 आपके ख्याल राय में जमहूरी अक्सर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, ये बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये होनी भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इसका हमें बेनिफिट है, अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ तो यहाँ पे ज़रा कैमरा रोटेट करें इस साइड पर, ये पीछे देख रहे हैं, ये जो गेट टुगेदर है, ये जो हम लोग आपस में मिल लेते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। आम रूटीन में हम लोग कभी भी इतने लोगों के साथ मिल नहीं सकते, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। अभी आपने नीचे ओरम भाई को देखा, ठीक है, ओरम भाई के साथ भी अभी हमारी मुलाकात बड़े अरसे के बाद हुई है और ये हमारी जो जितनी भी सहाफ़ियों की सहाफ़ती तंजीमें होती हैं या सहाफ़ियों की आप कह लें रूटीन की जो ज़िंदगी है, इसमें बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग आपस में इस तरह से मिलजुल नहीं सकते। बाज़ूकात हमारी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं तो फिर इस तरह के गेट टुगेदर होता है तो हम लोग आपस में मिल भी लेते हैं, दुख सुख बांटते हैं। शुक्रिया, ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा है। बहुत शुक्रिया। कैसा आपकी वोटिंग है? क्यों मेरा वॉइस ऑफ ए टू जेड टी वी है मेरा चैनल, उसके लिए मेरे प्रोग्राम होती है, ये मैं जंग अखबार में भी हूँ, वहाँ से मैं आपको ये पूछूँ कि आपको देख के मैंने इंटरव्यू करा है, कैसा आपने वोट को दिया, वोट कास्ट कर लिया आपने? ये क्या क्या आपका राय है इसमें? सर इलेक्शन तो हर साल होते हैं, इस बार थोड़ा देर से हो गया, कोरोना था, नहीं तो जो भी हो रहा है निज़ाम बहुत अच्छा है और इसमें किसी का ये नहीं है कि जो कोई आगे कोई पीछे या कोई किसी को लेकर नहीं, बहुत अच्छा निज़ाम, सब अच्छा अच्छा। इलेक्शन की गहमा गहमी है और लेकिन अभी खुश है जितना है क्योंकि हर शहर से बहुत सारे लोग जो है इससे जनवरी प्रोसेस के लिए शामिल हुआ, बहुत अच्छी तरीके से पार्टी जा रही है, माशाल्लाह बड़ा पुरमन तरीके से जो है वोटिंग भी हो रही है, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अपना बेहतर करेगा। अफजान मलिक साहब, अफजान मलिक साहब आप बताइए कि आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? दबा लिया था साफियों का इलेक्शन जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साफियों ने हमेशा इलेक्शन जो है वो वक्त पे कराए हैं, कभी इलेक्शन जो है वो डिले नहीं हुए, PFUJ के इलेक्शन भी हमेशा वक्त पे होते हैं। इस मुल्क में डिक्टेटरों ने हमेशा आइन को एब्रोगेट करके जो है इलेक्शन 10-10 साल के लिए मुलतवी किए, लेकिन वाहिद सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब्स हैं, सहाफ़ियों की यूनियन है, वो अपने इलेक्शन जो है वो टाइम पे कराते हैं और उसमें सहाफ़ी जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। आप इनके शऊर और कॉन्शियसनेस को जो है वो सल्यूट करना चाहिए कि लोग जो है वो अपनी पसंद के प्रोग्राम के मुताबिक अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब कर रहे हैं, भारी तादाद में लोग वोट डालने के लिए आए हैं, आप देख रहे हैं कि हर तरफ के मतलब लोग जोश व खरोश के साथ अपने उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। थैंक यू, हाँ बहुत शुक्रिया आपका। नहीं
मैंने देखा दोनों ग्रुपों ने जाली वोट बनाए और रियल साफी है उनको निकाल दिया गया जो बेचारे इस वोट दाखिल कर सकते सादर साहब राजा आज का जो प्रेस नेशनल प्रेस क्लब इंतखाबात हैं ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। ये मुसलसल हर साल इलेक्शन होते हैं और हर साल मुख्तलिफ ग्रुप इसमें हिस्सा लेते हैं जो जमहूरीत की अक्कासी करते हैं। इसमें हर तरह हर तर्ज फिक्र के लोग शामिल होते हैं और हर ग्रुप जो है वो कारकुनों के हकूक को बेहतर से बेहतर दिलाने के दावे करता है। लेकिन जब इंतखाबात के बाद ये लोग अपनी नशिस्तों पर तशरीफ ले आते हैं तो कारकुनों के हकूक को उस तरह नहीं देखा जाता, उस तरह उनके लिए काम नहीं किया जाता जैसे कि इलेक्शन में वादे किए जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला साफियों और गैर साफियों की रिहाइश का मसला है। इन लोगों को चाहिए कि पहले तरजीह बुनियादों पर ये कानूनी के लिए काम करें ताकि अखबारात में काम करने वाला मुलाजम हर मुलाजम को छत मैसर हो सके। हमारा तो यही मुतालबा है कि इस काम को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए ताकि जमहूरी अमल का तसलसल बरकरार।